हुकूमत में बात होगी एक ऐसी तस्वीर की जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी। एक जमाने में मुलायम सिंह बीजेपी के धुर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन आजकल मुलायम सिंह बीजेपी को अच्छे लग रहे हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक बीजेपी के बड़े नेताओं को मुलायम काफी पसंद आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो बार मुलायम सिंह से मिल चुके हैं। बीजेपी भले ही इसे एक शिष्टाचार भेंट बता रही हो, लेकिन सियासत में इस तस्वीर ने कई संदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ अयोध्या मामले का किसी भी दिन फैसला आने वाला है। ऐसे में अयोध्या समेत कई शहरों में आईबी ने डेरा डाल दिया है। महाराष्ट्र में सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसका अभी तक कोई हल भी नहीं निकला है। वहीं कश्मीर में विदेशी डेलीगेशन के दौरे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसके अलावा हुकूमत में बात करेंगे, दिवाली के बाद शहरों में धुएं की चादर किस तरह से ओढ़ ली है, तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज हुकूमत में। तो आज हम आपको लखनऊ की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में चर्चा शुरू कर दी है। जो दिग्गज कभी एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे के इतने करीब क्यों आ रहे हैं? दिवाली की बधाई देने के बहाने दूरियां कम हो गई हैं। ये तस्वीर कई संदेश देती हैं जो आने वाले समय में यूपी की सियासत में काफी कुछ बदल सकती हैं। इस मुलाकात के कई मायने हैं। योगी और मुलायम के बीच हुई इस मुलाकात पर दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। योगी और मुलायम की एक औपचारिक मुलाकात ने यूपी की सियासत में एक नई सियासी सुगबुगाहट शुरू कर दी है। ये मुलाकात सिर्फ योगी और मुलायम के बीच होती तो बात कुछ और थी, लेकिन मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव का न होना और शिवपाल यादव का नेताजी की तरफ बैठना बहुत कुछ कह गया। सोफे के एक तरफ सूबे के मुखिया हैं, तो दूसरी तरफ यादव परिवार के मुखिया। यादव परिवार के मुखिया मुलायम का हर कोई आशीर्वाद लेना चाहता है, हर कोई तस्वीर में उनके बगल में दिखना चाहता है। लेकिन अगर सूबे का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे और उस समय मुलायम के पास सिर्फ शिवपाल यादव मौजूद हो, तो ये बात बड़ी है। सूबे के सबसे बड़े यादव परिवार में सियासी झगड़े के बाद पहली बार एक ऐसी तस्वीर सामने आई जब मुलायम और शिवपाल एक साथ बैठे हों और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हों। शिवपाल यादव ने जिस तरह से अखिलेश से अलग राह पकड़ी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीबी बढ़ाई, उसके सियासी गलियारे में चर्चे खूब हैं। अब योगी मुलायम की मुलाकात के वक्त शिवपाल का मौजूद रहना कई सवालों को जन्म दे रहा है। एक शिष्टाचार भेंट है, त्योहार था, दीपावली का अवसर था और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी मुलायम सिंह जी के कुशलक्षेम पूछने और एक कट से विजिट करने गए थे। वो मुलायम सिंह जी से भी मिले और माननीय कल्याण सिंह जी से भी मिले। ये जग जाहिर है कि सियासत में कुछ भी औपचारिकता नहीं होती, जो भी होता उसके कुछ मायने होते हैं और उसमें कुछ संदेश छिपा होता है। अब योगी और मुलायम की मुलाकात के क्या मायने हैं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि मुलाकात के वक्त शिवपाल का मौजूद रहना यूपी की सियासत में कुछ नया होने का संकेत दे रहा है। जिस तरह से शिवपाल यादव ने अखिलेश के खिलाफ झंडा बुलंद कर रखा है और यादव परिवार में झगड़े के 3 साल बीतने के बाद भी कोई सुलह नहीं हुई है, उससे लग रहा है कि शिवपाल अभी शांत होने वाले नहीं हैं। सपा से दूरी और योगी से उनकी करीबी कम नहीं हुई है। हालांकि जून के महीने में जब मुलायम सिंह की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हुई थी, तो उस समय सीएम योगी जब मुलायम का हालचाल जानने पहुंचे, तो अखिलेश और शिवपाल दोनों मौजूद थे। लेकिन तब की मुलाकात के 4 महीने बीत चुके हैं और बीते 4 महीने में यूपी की सियासत में काफी कुछ बदल चुका है। सदैव की परंपरा में रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ये एक दूसरे से सदैव मिलते रहे हैं। इसमें किसी का भी कोई राजनैतिक निहितार्थ निकालना हमको कोई समस्या परे की बात। सीएम योगी ने सपा संरक्षक मुलायम के साथ साथ यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने कल्याण सिंह को दिवाली की बधाई दी और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज कल्याण सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। पूर्व सीएम कल्याण सिंह और राज्यपाल भी थे, उनसे मुलाकात करने के लिए दिवाली की जो शुभकामनाएं हैं वो देने के लिए पहुंचे थे। इसके पहले वो मुलायम सिंह के आवास पर भी पहुंचे हुए थे, वहां पर भी उन्होंने जाकर के दिवाली की बधाई दी। और कुल मिला के माना जा रहा काफ़ी देर तक ये बैठक चली और जिस तरीके से कल्याण सिंह से मुलाकात हुई तो एक ही शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की और शिष्टाचार भेंट मानी जा रही कि दिवाली में चूंकि योगी आदित्यनाथ अयोध्या और गोरखपुर में थे, ऐसे में आज यहाँ पर कल्याण सिंह के आवास में खुद पहुँच करके उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं अर्पित की। योगी और मुलायम की मुलाकात सबसे अहम है। एक समय में जब मुलायम सक्रिय राजनीति में थे और योगी सियासत के पायदान पर चढ़ रहे थे तब योगी और मुलायम में काफी वैचारिक मतभेद था। मुलायम अब आराम फरमा रहे हैं और योगी देश का सबसे बड़ा सुबह संभाल रहे हैं। मुलायम यूपी की राजनीति के सबसे बड़े योद्धा रहे हैं और योगी ने एक युद्ध जीत लिया है और दूसरे युद्ध की तैयारी में है। यूपी की राजनीति में दो सियासी सुरमाओं की मुलाकात के वक्त शिवपाल की मौजूदगी काफी कुछ संकेत दे रही है। पहुंचे थे उन्होंने तकरीबन 20 मिनट मुलाकात की, दो का अपना आवास है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए थे, तकरीबन 20 मिनट यहाँ पर उन्होंने अपना वक्त गुजारा है और अब देखिए यहाँ से वो दिवाली की बधाई देने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं। आपको बता दें इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हाल चाल लेने जा चुके हैं। जब वो बीमार थे PGI से जब वो डिस्चार्ज होकर के आए थे उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री आए थे और ये विक्रमादित्य मार्ग पर यही आवास है जहां पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली की बधाई देने के लिए पहुंचे थे। एक गुडविल जेस्चर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और उसी कड़ी में ये दूसरा ऐसा दौरा है जहां पर वो मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। कैमरामैन नफीस के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। इधर महाराष्ट्र में विधानसभा के नतीजे आने के बाद भी सरकार बनने की राह तय नहीं हो पा रही। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन पर मुहर क्यों नहीं लग पा रही? कहां है अड़चन, कहां है सवाल, सीटों का फिर क्या कहता है, रिपोर्ट में देखिए। राजनीति में सत्ता पाने की चाह हर पार्टी बराबर की रखती है, चाहे चुनाव लोकसभा के हों या विधानसभा के। पार्टियां जीत की चाह में अपने हर पैतरे आजमाती हैं जिससे वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकें। जिसके पीछे कई पार्टियों के नेता अपने जीवन भर की राजनीति को निचोड़ कर झोंक देते हैं। हर पार्टी की एक स्थिर नीति होती है जिस राह पर पार्टी आगे की ओर बढ़कर अपना लक्ष्य हासिल करती है। पर कुछ पार्टियां ऐसी भी होती हैं जहां चुनाव लड़ा तो एक साथ जाता है पर चुनाव नतीजे पार्टियों के बीच तनाव का माहौल पैदा कर देते हैं। चुनाव नतीजे ही सत्ता की कुर्सी के लिए हकदार बनाते हैं। पार्टी कोई भी हो, नतीजों के आधार पर ही सत्ता की कुर्सी हासिल होती है। जी हां, बात हो रही कुछ ही दिन पहले हुए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में आए नतीजों की। महाराष्ट्र में कुल विधानसभा सीटें 288 हैं, जिनमें चुनाव में आए नतीजों के मुताबिक बीजेपी को 105 सीटों के साथ पहले स्थान की पार्टी बनी। दूसरी ओर शिवसेना को 56 सीटें और पार्टी में उतार चढ़ाव झेल रही कांग्रेस को 44 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा, जिसके बाद सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हुई, जिसमें बीजेपी ने अपनी नगर निगम के साथ ही पार्टी शिवसेना का हाथ थामने की बात कही। लेकिन शिवसेना ने समर्थन के साथ ही मुख्यमंत्री का पद ढाई ढाई साल बांटने की शर्त भी राज्यपाल की टेबल पर पहुंचा दी, जिससे सरकार बनने के रास्ते में समस्या खड़ी हो गई। सत्ता बंटवारों को लेकर बीजेपी की ओर से शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद साझा करने के वादे से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इनकार करने के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी ने फडणवीस का एक पुराना वीडियो जारी किया जिसमें देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकार में पदों और जिम्मेदारियों को समान रूप से बांटने की बात कर रहे हैं। शिवसेना की ओर से ढाई ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद को दोनों दलों के बीच बांटने को लेकर सख्ती अपना रही है, जिसमें शिवसेना के विधायकों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पहली बार विधायक बने आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सीएम पद पर नोकझोंक को लेकर सोमवार को दोनों पार्टियों के नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से अलग अलग मुलाकात की। शिवसेना की ओर से दिवाकर रावते और बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात की थी, जबकि राजभवन की ओर से पुष्टि की गई कि ये मीटिंग दिवाली की वजह से एक औपचारिक मुलाकात है। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों में बीजेपी को मिली 105 सीटों पर बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया। बैठक में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जनादेश निश्चित रूप से बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के लिए है। हमारी पार्टी ने महायुति के लिए वोट मांगे थे तो लोगों ने इसके लिए मतदान भी किया, इसके लिए संदेह नहीं होना चाहिए कि ये एक महायुति सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र
राज्य के विधानमंडल दल के नेता चयन का विषय था। पूरे विधानमंडल दल ने श्री देवेंद्र फडणवीस जी को अपना नेता सर्वसम्मति से निर्वाचित किया है। आप देवेंद्र फडणवीस जी राज्यपाल जी को मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे, आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। शिवसेना के गठबंधन पर शर्त के मुताबिक पहली बार विधायक बने आदित्य ठाकरे को सीएम पद का आधा दावेदार बनाने और बीजेपी से गठबंधन करने के फैसले पर पार्टी ने दफ्तर पर गुरुवार को बुलाई विधायक दल की बैठक। पार्टी अपने फैसले पर विस्तार से विचार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर जम्मू कश्मीर में यूरोपियन यूनियन सांसदों के दौरे के बाद विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। कई दिग्गज नेताओं के ट्वीट विदेशी डेलीगेशन के दौरे को लेकर आ चुके हैं, पर बीजेपी विदेशी डेलीगेशन के इस दौरे को पूरी तरह सफल बता रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर में लगी अनुच्छेद 370 को हटाया, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता इस फैसले से कितनी खुश है ये तो जम्मू कश्मीर के लोग बेहतर जानते होंगे। पर केंद्र में बीजेपी की विपक्षी पार्टियों को ये कितना सही लग रहा है ये बात तो उनके ट्विटर और कश्मीर में बैठे पीडीपी के नेताओं के बयानों से समझा जा सकता है। लेकिन किसी राज्य में विकास और उस जगह पर रहने वाली जनता को देश में किसी भी जगह पर अपना हक मिल सके इसके लिए आगे बढ़कर कोई कदम उठाना तो गलत नहीं। पहली बार किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल को जम्मू कश्मीर में जाने की परमिशन मिली। यूरोपियन यूनियन के 23 सांसद कश्मीर के हालात का जायजा लेने बीते दिनों श्रीनगर पहुंचे। इससे पहले यूरोपीय सांसद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति से भी मिले थे। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का ये पहला कश्मीर दौरा था। यूरोपियन यूनियन की संसद में कश्मीर के हालात पर पिछले महीने चिंता जताई गई थी और ये बात भी रखी गई थी कि जम्मू कश्मीर में आम लोगों के बुनियादी हक जल्द से जल्द बहाल। विदेशी सांसदों को कश्मीर जाने की अनुमति ऐसे समय दी गई जब प्रमुख विपक्षी नेता नजरबंद है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। विदेशी डेलीगेशन पर विपक्ष इस कदर हमले कर रहा है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विदेशी डेलीगेशन के जम्मू कश्मीर दौरे पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, विदेश में आए मेहमानों को जम्मू कश्मीर में जाने की परमिशन दे दी जाती है, पर भारतीय सांसदों और नेताओं को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाता है। बड़ा अनोखा राष्ट्रवाद। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूरोपियन यूनियन के सांसदों के कश्मीर दौरे पर कहा, ये कोई आधिकारिक दौरा नहीं है, इस दौरे को यूरोपियन यूनियन के दिल्ली ऑफिस में स्वीकार किया गया है। ये मोदी सरकार की हताशा और भ्रम का स्पष्ट संकेत है कि सरकार को एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल तक नहीं मिला। सरकार ने जो फैसला लिया है 370 का, वो फैसला उसको वो इंटरनेशनल लेवल पर उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं और इनका इस क्लियर साइन है डेस्परेशन का कि ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है और ये MPs आ गए चौ तरफ के, उनको ये लोग जगह दिखा रहे हैं। इससे और डिस्परेशन कोई नहीं हो सकता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी विदेशी डेलीगेशन के दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए विपक्ष के पहले कश्मीर में विदेशी डेलीगेशन भेजने पर आपत्ति जाहिर की है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा है, यूरोपियन यूनियन के सांसदों को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत है, लेकिन भारत के सांसदों और नेताओं को जम्मू कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसमें काफी कुछ गलत किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों को भारत सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाना तक तो ठीक था, पर बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए। इन सभी नाराजगी के पीछे एक ही वजह है, इससे पहले कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं ने कश्मीर जाने की कोशिश की थी पर उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। देखिए, हम उसका स्वागत करते हैं और EU के जो सांसद भारत आए और भारत भ्रमण पर हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर भी देखा और जम्मू कश्मीर में उन्होंने देखा कि भारतीय सेनाएं किस एहतियात के साथ वहां काम कर रही हैं और देश के जो शांति को भंग करने की कोशिश लगातार पाकिस्तान द्वारा उकसा के की जा रही है, उसके ऊपर भी किस तरीके का भारत का एफर्ट है, तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसलिए हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। विदेशी डेलीगेशन के जम्मू कश्मीर दौरे पर विपक्ष के कई सवालों के बावजूद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने यूरोपियन यूनियन सांसदों के दौरे को सफल बताया।
स्पेशल डेस्क भारत समाचार। तो कश्मीर पर सवाल और जवाब के दौर के बीच बात अयोध्या में उठते सवाल और बदलते माहौल की। अयोध्या में अचानक से आईबी सक्रिय हो गई। अयोध्या ही नहीं, दूसरे कई बड़े शहरों में आईबी अलर्ट पर है। किसी भी दिन अयोध्या मामले पर फैसला आ सकता है। आतंकी और माहौल बिगाड़ने वाले अयोध्या में आतंक न फैला सके, इसके लिए गली मोहल्ले से लेकर चौराहों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 17 नवंबर के पहले फैसला आ जाएगा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती भी है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पूरे देश को फैसले का इंतजार है। कई दशक पुराने विवाद का हल आसानी से हो जाए, इसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो भी अलर्ट पर है। फैसले का सबसे ज्यादा प्रभाव यूपी पर पड़ेगा, इसीलिए यूपी के कई प्रमुख शहरों को आईबी ने अपने घेरे में ले लिया है। प्रदेश सरकार के बड़े सुरक्षा अधिकारियों के साथ आईबी के अफसर लगातार संपर्क में है और सुरक्षा को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। आईबी की टीमों ने अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में डेरा डाला हुआ है। फैसला आने के पहले कुछ आतंकी संगठनों के सक्रिय होने की जानकारी खुफिया एजेंसी को मिली थी, जिसके बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ, संकट मोचन और अन्य प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अयोध्या प्रकरण पर अदालत का फैसला आने के बाद हालात बिगड़ने के अंदेशे को लेकर आईबी ने राज्य सरकार को पहले से ही चेता दिया है। देखिए, मैं पैगाम यही देना चाहती हूँ, और मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ पूरी मुस्लिम सोसाइटी को। पूरी मुस्लिम सोसाइटी का कहना यह है कि अपेक्स कोर्ट का जो भी फैसला बाबरी मस्जिद के लिए आता है और राम मंदिर के लिए आता है, वो हम सर झुका के कबूल करेंगे, क्योंकि अगर हमने जुडिशरी का साथ नहीं दिया तो हम फिर माने जाएंगे रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी के फेलियर के लिए, क्योंकि किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी स्मूथली तभी रह सकती है और कोलैप्स होने से बच सकती है जब हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम जो है स्ट्रांग भी हो और पब्लिक उससे कोऑपरेट भी करे। अयोध्या में पहले से ही जो है ना सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, और यहाँ पर यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर हर जगह पर जितने भी जो है नाका हैं और जितने भी पिकेट पॉइंट्स हैं, सब जगह पर जो है ना चेकिंग की जाती है और सतर्क दृष्टि की जाती है। और ये जो आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में जो अलर्ट है, इसके संबंध में और विशेष रूप से जो है सघन चेकिंग कराई जाती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। खुद सीजेआई ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को एक निश्चित समय में अपना पक्ष रखने के लिए कहा, जिसके बाद समय पर सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के दशकों पुराने विवाद का निपटारा करने के संकेत दे चुका है। मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में अब सिर्फ 18 दिन बचे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में कई छुट्टियां भी हैं। 3 नवंबर को दिवाली का अवकाश खत्म हो रहा है। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट दोबारा से खुलेगा। 11 और 12 नवंबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट में अवकाश है। इसी बीच 2 दिन शनिवार और रविवार को भी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है। सुप्रीम कोर्ट के पास महज 8 वर्किंग डे बचे हैं। इन्हीं 8 दिनों में अयोध्या मामले का फैसला लिखा जाना है। 8 दिनों बाद देश के सबसे विवादित मुद्दे का हल होने वाला है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। अयोध्या के अंदर राम मंदिर का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, बहस हो चुकी है, फैसले की प्रतीक्षा में। उसके निमित्त आईबी और पुलिस प्रशासन का विशेष निगरानी ऐसे धार्मिक स्थलों मथुरा, काशी और अयोध्या पर है। एक स्वाभाविक परंपरा में सदैव जब भी कभी इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं तो प्रशासन के तंत्र अपने काम को करते हैं। उसी काम के क्रम में उनका अयोध्या जाना और चीज़ों को देखना एक रूटीन परंपरा का कार्य। अयोध्या और आसपास के इलाके में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। कहीं पर भी लोग अति उत्साह में माहौल खराब ना करें, इसके लिए जमीन से लेकर आसमान से नजर रखी जा रही है। अयोध्या की हर गली और मोहल्ले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर है। फैसले के बाद भी अमन चैन बना रहे, इसके लिए अयोध्या में आईबी की टीम सक्रिय हो गई है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। अयोध्या को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे 8 नवंबर के बाद कभी भी सुनाया जा सकता है। अयोध्या विवाद पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आईबी की टीम पहले से ही मुस्तैद हो गई है। अयोध्या समेत सभी मुख्य शहरों में खुफिया एजेंसी की पैनी नजर है। अगर कोई नापाक साजिश के बारे में सोचता भी है तो उसके लिए मुश्किल बढ़ सकती है।
खुफिया एजेंसियां काफी अलर्ट हैं और ऐसे में अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। देश के सबसे बड़े विवाद का हल होने वाला है। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे में अटकलें ये हैं कि फैसला उसके पहले ही आएगा। अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के पास काम करने के लिए केवल 8 दिन बचे हैं, तो माना यह जा रहा है कि फैसला किसी भी दिन आ सकता है, और जिसको चलते आईबी अयोध्या समेत यूपी के तमाम बड़े शहरों पर अलर्ट हो चुकी है और जिसकी नजर चप्पे चप्पे पर जमीन से लेकर आसमान तक रखी जा रही है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। इधर दिवाली के बाद कई शहरों में सांस लेना दूभर हो गया है। शहरों में इस कदर धुंध छाई है कि कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हवा में इस कदर जहर घुल गया है कि लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, सांस लेने में भयंकर तकलीफ हो रही है। अस्थमा के मरीजों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया है। अगर कुछ दिनों तक ऐसे ही धुंध छाई रही तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। शहरों में इतने ज्यादा पटाखे जलाए गए हैं कि जहां देखो वहां सिर्फ धुआं ही धुआं है। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से ज्यादातर शहरों में पहले से ही सांस लेना दुश्वार था, लेकिन दिवाली के बाद दिक्कतें अब और बढ़ गईं। बड़े शहरों में वायु प्रदूषण 4 गुना तक ज्यादा बढ़ गया है। पूरे के पूरे शहर गैस चैम्बर बन गए। धुएं की चादर में पूरे शहर लिपटे हुए हैं। शहर में ऊंची इमारतें भी दिखाई दे रही हैं। बाहर निकलने पर ऐसा लगता है कि शहर में कोहरा पड़ रहा है। धुंध इतनी ज्यादा है कि थोड़ी दूर के बाद कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। कुछ दूर चलने के बाद लोगों की सांस फूलने लगती है। सांस की बीमारी वाले लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि अपने आप को घरों में कैद कर लिया है। चारों तरफ फैला जहरीला धुआं लोगों के फेफड़े खराब कर रहा है। दिवाली के बाद धुएं की ऐसी धुंध छाई है कि हटने का नाम नहीं ले रही है। पटाखों पर एक हद तक प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने खूब आतिशबाजी की। हर गली और मोहल्ले से निकलने वाले धुएं ने पूरे शहर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। धुएं ने शहरों की जिंदगी को जाम कर दिया। दिल्ली और NCR के आसपास के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो गाजियाबाद एक नंबर पे है, तो वही नोएडा दूसरे नंबर पे है। 434 जो है रिकॉर्ड जो है किया गया है, एयर इंडेक्स जो AQI है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। हमने कल भी जो है इस बात को कहा था कि जिला प्रशासन गंभीर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार एयर इंडेक्स बिगड़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की 6 श्रेणियां होती हैं: अच्छी, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। ज्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। जिन शहरों में ज्यादातर एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 रहता है वहां पर आंकड़ा 300 के करीब पहुंच चुका है, जो एक बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इतने प्रतिबंधों के बाद भी पटाखों से निकलने वाले धुएं ने लोगों का दम घोट रखा है। आंखों में दर्द है, चुभन है, दिवाली के धुएं से निकलने से दर्द रहता है, बहुत ज्यादा है, पानी जाता है आंखों में, पेड़ों में, पूरे में, स्कूल से छुट्टी करा के लाए बिलियन से। जैसा कि इस समय पोल्यूशन हो रखा है उसकी वजह से आंखों में इरिटेशन, चुभन होना और बार बार आंखों में पानी आना, तो इसे अवॉइड करें, थोड़ा सा पोल्यूशन अवॉइड करें और आंखों में पानी के छींटे डालें 2-3 बार, और कोई दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर को, आंखों के डॉक्टर को। इस समय मैंने करीब 70 मरीज देखे। लखनऊ में दिवाली में रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाने की अनुमति थी, लेकिन रात 12 बजे के बाद तक पटाखे चलते रहे। लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 तक पहुंच गया है और पूरे शहर में चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे बड़े शहरों में भी चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आज सूरज ऐसा लगा कि निकला ही नहीं। सबसे पहला दोष है नगर निगम का, क्योंकि नगर निगम ने शहर का बुरा हाल कर रखा है। वैसे ही पहले से बहुत पोल्यूशन था। दूसरा, दिवाली पे पब्लिक अवेयरनेस की बहुत जरूरत थी, जिसमें पटाखों की वजह से प्रॉब्लम हुई है।
इस समय की स्थिति शहर से लेकर सब जगह की काफी खराब है, लेकिन इसके लिए सिर्फ विभाग के साथ साथ जनता भी जिम्मेदार है और पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली पटाखे बंद करने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन लोगों को अवेयर करें और उनको इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब दिवाली के बाद हवा इतनी जहरीली हुई है, और सिर्फ दिवाली के पटाखों का कारण ही हवा जहरीली नहीं हुई है, बल्कि इसके और भी कारण है। शहरों में अंधाधुंध और नियमों को ताक पर रखकर हो रहे निर्माण से शहर की हवा खराब होती है। सड़कों पर धुआं छोड़ते वाहन भी शहरों की हवा को जहरीली बना रहे हैं। खेतों में जलाई जाने वाली पराली का धुआं भी शहरों में प्रदूषण फैलाता है, और इन सब के साथ दिवाली पर जब पटाखे जलते हैं तो पहले से खराब हवा और ज्यादा जहरीली हो जाती है। अगर हवा को जहरीली होने से रोकना है तो सरकार को बेहद सख्त कदम उठाने होंगे। दिवाली पर सिर्फ पटाखे फोड़ना बंद करने से ही दूषित हवा शुद्ध नहीं होगी। इसके लिए सरकार को हर उस समस्या पर ध्यान देना होगा जो शहरों की हवा में जहर घोल रही है। हालात पहले ही काफी बिगड़ चुके हैं और अब समय काफी कम बचा है। हवा में जहर घुल चुका है, कड़े प्रतिबंधों के जरिए ही हवा को जहरीली होने से बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।